अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज दिल किया कि आप लोगों के साथ गपशप लगाई जाए। दिल तो रोज़ करता है लेकिन कोई मौजू नहीं होता, और मैं बिला वजह की जी किसी की बात सुन के या किसी के ख्यालात सुन के उसके ऊपर वीडियो बना दूँ और बाद में वो बात गलत निकले, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए मैं अपनी खुद की वर्किंग करता रहता हूँ, खुद मार्केट के अंदर इन रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मार्केट का जो जेन्युइन सिनेरियो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत सारे लोग हवा में बातें करते हैं मार्केट में कि जी मार्केट को यूं हो गया, मार्केट को वो हो गया, मार्केट में नई खबरें आ रही हैं जी, वो अब एक कोई नई अनाउंसमेंट हो गई, कोई नई मीटिंग आ गई, कुछ फलाना हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि जो हकीकत इस वक्त चल रही है हम उसको जो है वो फेस करें और उसी के बारे में बात करें। देखें जी, पिछले दिनों बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि जी गेम चेंजर आ गया। गेम चेंजर, गेम चेंजर से मुराद है मलीर एक्सप्रेसवे। मलीर एक्सप्रेसवे आ गया जी, उसकी बड़ी तेज़ी से तामीरात चल रही हैं, अब तो मार्केट रुकेगी ही नहीं। पिछले दिनों कुछ महीना, डेढ़ महीना, दो महीने मार्केट चली और फेक मसनूई रेट जो है वो चढ़ा दिए गए। जो प्लॉट 70 लाख का था वो 95 लाख का कर दिया, जो प्लॉट 80 लाख का था वो 1 करोड़ 10 लाख का कर दिया, और जो प्लॉट जनाबे वाली 1 करोड़ 10 लाख का था वो 1.5 करोड़ पे ले गए। लेकिन उन रेटों पर जाकर बायर नहीं मिला और दोबारा से मार्केट करेक्शन की तरफ चली गई। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को रेट्स बताता हूँ, आप लोग बेताब होंगे एक्चुअल मार्केट में रेट क्या है वो जानने के लिए। सेक्टर 3 की अगर बात करें, जहाँ पर 36 लाख, 38 लाख, 40 लाख भी लोगों ने मांगने शुरू कर दिए थे, वहाँ इस वक्त 125 गज का रेट है 30 लाख 31 लाख 29 लाख, लेकिन बायर नहीं है। सेक्टर 6 की अगर बात करें, जहाँ पर 32 लाख 33 लाख का रेट भी आ गया था, वहाँ इस वक्त 26 लाख 25 लाख 27 लाख, लेकिन बायर नहीं है। सेक्टर 6 के ऊपर के सेक्टर की बात हो रही है जो बिल्कुल 3 के पास है। आप 6H में चले जाएं, उससे नीचे चले जाएं, तो ये जनाबे वाली और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। वहाँ पर आपको 25 भी नहीं मिलते, वहाँ पर आपको 23 भी नहीं मिलते। इसी तरह सेक्टर 9 में चले जाएं तो वहाँ 22 लाख 23 लाख लोग मांग रहे हैं, लेकिन रेट जो है वो नीचे का ही है। इसके बाद हम बात करते हैं 200 गज के प्लॉटों की। सेक्टर 3C का 200 गज जो कि 53 लाख 55 लाख तक चला गया था, बहुत सारे लोगों ने 52 लाख 53 लाख में बाइंग भी की और ट्रांसफ़र भी करवा ली, इस वक्त दोबारा से रेट जो है वो 46-45 जैसा आ गया है। और मैं समझता हूँ कि दोबारा से जो सिचुएशन चल रही है मार्केट जो है वो और करेक्शन लेगी और नीचे चला जाएगा रेट। नज़र ऐसा आ रहा है कि ये जो 45 लाख हैं ये शायद और लाख दो लाख तोड़ देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जो पुराने सेक्टर्स हैं, सेक्टर 3 में लोगों ने 1.5 करोड़ मांगने शुरू कर दिए थे, 1 करोड़ 70 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए थे, वहाँ पर सिचुएशन इस वक्त वही 1 करोड़ 25-1 करोड़ 20 के पास आ गई है। सेक्टर 5 में अगर आ जाएं तो सेक्टर 5 में इस वक्त लोग 1 करोड़ 10-1 करोड़ 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि सेक्टर 7 में 500 गज की बात हो रही है, ये अगर सेक्टर 7 में हम आ जाएं तो वहाँ क्या रेट होगा। सेक्टर 7 में इस वक्त 90 लाख रुपए का भी बायर नहीं है बाजार में। लोग, अगर आपका कोई प्लॉट है और आप बेचना चाहते हैं तो आपको ऑफ़र लगेगी 85 लाख रुपए की, 82 लाख रुपए की। इसके बाद इससे नीचे के सेक्टरों में चले जाएं, जो सेक्टर 10 है, सेक्टर 9 है, जहां पर बहुत सट्टा चला था, 72-73 से रेट चल के और जी 95 तक चला गया था।
कल रात को ही मुझे कोई साहब कॉर्नर का प्लॉट कोट कर रहे थे 68 लाख में। कॉर्नर का प्लॉट थोड़ा सा इफेक्टेड है वो 68 लाख में। तो मैंने उनको एक वहीं पर क्लियर प्लॉट बताया तो उन्होंने कहा कि जी मेरा प्लॉट कॉर्नर है और कॉर्नर होने की वजह से उसको ये एडवांटेज है कि उसका 68 का रेट है, लेकिन जो आपका प्लॉट है वो आपका प्लॉट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 65 लाख रुपए का है। तो मैंने कहा यार आपका कमर्शियल प्लॉट जो कॉर्नर का है वो आपका जो प्लॉट कॉर्नर का है वो कमर्शियल फेस करता है। तो उन्होंने कहा कि फिर भी एडवांटेज कॉर्नर होने का है उसके पास, तो मैं आपको बहरहाल 65 या 66 लाख रुपए में दिलवा दूंगा। तो मतलब ये है कि जो मेरा प्लॉट था वो और भी नीचे चला गया। ये सूरत हाल चल रही है जी मार्केट में। 1000 गज के जो प्लॉट हैं जो कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए से 1 करोड़ 65 लाख रुपए से जिन्होंने उड़ान ली थी और 2.25 लोगों ने मांगने शुरू कर दिए थे, वही प्लॉट दोबारा से 1.80 1.75 के ब्रैकेट में आ गए हैं। तो ये थी मार्केट का खुलासा। और इसी के साथ साथ आप बात करते हैं बहरिया टाउन की, तो बहरिया टाउन में भी यही सिचुएशन है। बहरिया टाउन में भी जो 30 की चीज़ थी वो 17 की रह गई है, जो 50 की चीज़ थी वो 40 की 35 की हो गई है, और जो 1 करोड़ की चीज़ थी वो भी 70 की 65 की रह गई है। तो बहरिया टाउन में भी यही सिचुएशन है। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट चलेगी कब। देखें जी, मार्केट तब चलेगी जब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को अपना समझेंगे, ठीक है जी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुंह फेर कर बैठ गए हैं वो जब तक पाकिस्तान को अपना नहीं समझेंगे और पाकिस्तान में पैसे भेजने शुरू नहीं करेंगे तब तक ये मार्केट नहीं चलेगी। चाहे कोई भी गेम चेंजर आ जाए, चाहे मतलब पूरा DHA सिटी डेवलप्ड हो जाए, उसके बावजूद भी मार्केट चलने नहीं लगी, क्योंकि आपके मुल्क में लिक्विडिटी नहीं है पैसे की। तो दो तरीके कार हैं, एक तो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, और दूसरा अल्लाह ना करे ये जो जंग लगने जा रही है, अगर ये जंग बढ़ जाती है तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सख्ती जो है वो पाकिस्तानियों पे होगी, और फिर पाकिस्तानी वहाँ से धपा धप पैसे भेजेंगे, और जब वो वहाँ से यहाँ पैसे आएंगे तो यहाँ की मार्केटें रेस करेंगी। अलबत्ता जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, अगर हम इन्हीं सिचुएशन के ऊपर रिलाय करें और इसी के ऊपर हम जो है डिपेंड कर बैठे रहें तो जेन्युइन बाइंग होती रहेगी। किसी ने 2 साल के लिए लेना है, किसी ने 5 साल के लिए लेना है प्लॉट, तो वो लोग प्लॉट बाइंग और सेलिंग करते रहेंगे, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो आ जाता है, मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे रेटों पर चली जाती है, मार्केट के रेट बढ़ जाते हैं, वैसा पॉसिबल नहीं है। वो फिर अगर मार्केट ऐसी ही चलती रहेगी तो फिर वो टाइम लेगी, उसको फिर 2-4 साल 5 साल लगेंगे डेवलपमेंट की बेस पे मार्केट जो है वो रेट गेन करेगी। जिस तरह ये प्रॉपर जो डिफेंस की मार्केट है यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो जो डेवलप्ड एरिया है उनका एक पक्का रेट बन जाता है और वो उन्हीं रेटों पर ट्रेड होते रहते हैं। तो कोई पुराना घर आ गया, वो थोड़ा सा कम में निकल गया, बिक गया, उसके बाद उन्होंने रेनोवेट कर लिया या डिमोलिश करके बना लिया, तो दोबारा से वो नए रेटों पर आ जाता है। तो जिस तरह बहरिया टाउन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है, वैसे तो बहरिया टाउन के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह वहाँ डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ पर मामलात चल रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगा DHA सिटी भी, और डेवलपमेंट चलती रहेगी, डे बाय डे लोग वहाँ पर जाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते रहेंगे, रहाइश बढ़ती रहेगी, तो फिर जो है वो रेट बरकरार रहेंगे और पक्के हो जाएंगे। शौकत खानम हॉस्पिटल जब तक 100% जो है वो एक्टिव नहीं होता तब तक भी जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटे जैसा माहौल नज़र आएगा,
लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसी साल में या अगले साल में शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो 100% एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ का जो स्टाफ है वो स्टाफ वहाँ पर बाइंग करेगा और कोई वो ऐसा नहीं है कि मार्केट में तेज़ी आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर रेल पेल हो जाएगी, लोग नज़र आने लगेंगे। अभी आप DHA सिटी जाते हैं तो आपको कुछ फासला तय करने के बाद बिल्कुल सन्नाटा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहाइश पजीर नहीं है। लेकिन जैसे ही शौकत खानम एक्टिव हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आपको नज़र आने लगेंगे, और बहुत सारे लोग जो कि शौकत खानम में इलाज कराने जाएंगे वो भी वहाँ पर टेम्परेरीली या रेंट पर कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए तैयार होंगे। चूँकि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका 6-6 महीने 1-1 साल इलाज चलता है, 2-2 साल भी बेचारे को लग जाते हैं इलाज होने में, तो वो उतना टाइम वहाँ पर वो लोग रहेंगे तो वहाँ रेल पेल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला सब पेशेंट्स को, सबको सेहत दे, जो बीमार हैं वो भी उनको भी अल्लाह ताला शिफा दे, और जो तंदुरुस्त हैं उनको और अच्छी सेहत दे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। बस समझ लें कि जी आप लोगों के साथ गपशप लगाई है और आप लोगों को एक हकीकत बताई है कि जी इस वक्त मार्केट की ये सूरत हाल है। बाकी अगर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़रूरतमंद हैं और अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं तो आप अपनी ज़रूरत पूरी करें, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप इंतज़ार कर सकते हैं तो आप अपना प्लॉट रोक कर रखें। और जो नए आने वाले ख़रीदार हैं उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में ही प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो आप जनाबे वाली मार्केट में ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी करेक्शन आ चुकी है, अब और इससे मज़ीद बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। तो आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फ्यूचर के लिए अपना प्लॉट ख़रीद कर रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि किसी भी दिन मार्केट दोबारा से चल सकती है। उसकी वजह यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। जैसे ही स्टॉक मार्केट कोलैप्स करेगी, क्रैश करेगी, वो सारा पैसा वहाँ से मुंतकिल होगा प्रॉपर्टी में। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।